शर्मा। एसएसपी ऑफिस आई थी, क्या था मामला? मामला ये था कि 25 तारीख को मैंने अपने बेटे की शादी करी थी लोनी निवासी सीमा से। किधर देख? उसकी माँ का नाम अनीता है, बाप उसके है नहीं, एक भाई है एक भाभी है उसके। और नीली छतरी वाले मंदिर दिल्ली में शादी हुई, पहले 24 की शादी थी लेकिन उन्होंने पोस्टपोन करी शादी, ये बताकर कि हमारे घर में जो हमारे चाचा की मौत हो गई है, इसलिए उन्होंने शादी 25 को मंदिर में रखी, घर से ना रख के मंदिर में रखी। उसके मानो हम लोग चले गए मेरठ से शादी करके, उसको लेकर घर पे आ गए, 25 को शादी करके लाए। 28 की सुबह उसने बोला कि मुझे पेट में दर्द है, उसे मैं लेकर बैंक कॉलोनी स्थित मैडम सीमा अग्रवाल हो के अस्पताल में लेकर आई। वहाँ पर उसके चेकअप हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद मैडम ने मेरे को उसको केबिन के बाहर भेज के मुझसे बोला कि तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है और उसके पहले भी ऑपरेशन हुआ हुआ है, इसलिए उसने सोचा मेरी पोल खुलने वाली है, तो वो अस्पताल से भाग गई। उसके बाद मैं नौचंदी थाना में रिपोर्ट दिखाने गई तो वहाँ का जो थे उन्होंने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया कि तुम ऐसे शादी करके लाई, तुमने मंदिर में क्यों शादी करी। तब मैं फिर कल गई तो मैंने कहा क्यों मंदिर में शादी नहीं होती, क्या तुझे करनी है तेरी कराऊँ, मैं रजिस्टर मैरिज करके लाई हूँ, ठीक है, मैंने कोई ऐसे कोई मेरे पास नहीं है पैसा बैंक कंट्रोल में करने का, तो मैं मंदिर में करके लाई हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरी रिपोर्ट लिखो ना। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं एसएसपी साहब, अच्छा आपको कैसे पता, आपको कैसे पता चला कि उसका ऑलरेडी ऑपरेशन भी हुआ? मैडम ने बताया ना मुझे, डॉक्टर ने बताया, अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने, उसके सारे निशान देखे, डॉक्टर ने बताया मुझे। क्या बताया? मेरे बेटे ने बताया मुझे। क्या बताया था? कि इसका ऑपरेशन हुआ हुआ है, निशान था बेटे, निशान बेटे ने तो देखे, बेटा तो देखेगा ना, उसने बोला इसके पेट पे निशान है। कितने माह की प्रेग्नेंट बताई थी? 15-20 दिन का, 20 दिन का। शादी को कितने दिन हो चुके थे? 3 दिन। फोटो दिखा।